हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी, और जिसको भी सब्जी बनाना नहीं आता है तो इस तरीके से बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ले लिया है चने का दाल, 1 कप लिया है हमने ये दाल। तो हम सबसे पहले इसको, एक बाउल ले लिया है उसमें हम पूरा दाल ले लेते हैं। इसकी हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो सबसे पहले हमें दाल को भिगो देना है, तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी ज़्यादा ही डालेंगे ताकि चने की दाल जो अच्छे से फूल जाए। तो इसको ढक देते हैं रात भर तक। तो दोस्तों, हमने इसको रात भर के लिए इसको भिगो दिए थे। तो ये देखिए, चने का दाल जो है अच्छे से फूल गए। अगर आप इसको रात भर भी ना रखें तो 6 से 7 घंटे तक भी रखेंगे तो चने का दाल जो है अच्छे से फूल जाता है। तो हम इसको धुल लेते हैं। तो चने का दाल को हमने अच्छे से धुल लिया और उसे हमने एक प्लेट में ले लिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हमने ये पैन रख दिया, उसमें डाल देते हैं 1 से 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका था तो हमने 2 तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्ची डाल दिए। साथ में डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से सब्जी में इसमें टेस्ट जो है अलग हो जाता है और टेस्टी लगता है खाने में। 2 बड़े साइज या 3 प्याज आप काट कर डाल दें लंबे में। तो पूरा प्याज हम डाल दिए हैं, तब इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे बनाना आपको। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज को अब हम चला देते हैं। तो प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हमें ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना है क्योंकि आलू भी हमें फ्राई करना है। तब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए आलू। तो 4 बड़े साइज के आलू थे तो उन्हें हम मोटे मोटे साइज में कट कर लिए हैं। तो पूरा आलू हम इसको इसमें डाल दिए, तो उसको भी हम अच्छे से चला देते हैं। तो हम चना दाल और आलू की मिक्स सब्जी बना रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है ये। तो पूरा आलू हमने डाल दिया, तो इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसको चला देते हैं। तो ये देखिए, अभी आलू जो है हल्का सा ब्राउन नहीं हुआ है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब हम बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी को हम चला देंगे। आलू का कलर जो है हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं चने का दाल जो हम धुल लिए हैं। तो इसको हम पूरा डाल देते हैं। दोस्तों, इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे इस सब्जी को। जब भी कोई मेहमान आ जाए तो आप आलू और चने दाल की सब्जी ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी भी बनता है। तो चने का दाल हम पूरा डाल दिए, मिक्स भी कर दिए हैं। तो इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो हम चला देते हैं सब्जी को। तो ये देखिए, चने का दाल हल्का सा भुन गया है, ज़्यादा देर तक भी हमें नहीं भुनना है, थोड़ी देर ही भुनेंगे। तो थोड़ा सा और इसको हम भुन लेते हैं। तो चना का दाल अच्छे से भुन गया है, देख सकते हैं आप लोग, आलू भी भुन गया है, साथ में प्याज भी डार्क हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसाले में हम ले लेते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच, उसी चम्मच से ही आपको सभी मसाले डालने हैं, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें धनिया का पाउडर। मसाला कम ही यूज करना है आपको, थोड़ा सा हींग डाल देना है आपको। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम हल्दी पाउडर, हम 1/2 चम्मच लिए हैं। अब हल्दी पाउडर कम भी कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, तीखा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं सब्जी वाला गरम मसाला 1 चम्मच, छोटा चम्मच, और एक दूसरा गरम मसाला है ये डाल देंगे 1/2 चम्मच। 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे छोला मसाला, से टेस्टी बनता है सब्जी। और 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं हम अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। आप चाहे तो पेस्ट पहले भी डालकर उसको भून सकते हैं, या फिर मसाले के साथ में ही डाल दें, भून जाता है। तो थोड़ा सा पानी हम डाल दिए हैं। तो सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मिक्स हो चुका है।
तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी हम और डाल दिए थे। पूरा सब्जी अच्छे से मसाला जो है मिक्स हो चुका है सब्जी में, तो इसको अब हम इसमें हम डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक हम अभी डाल रहे हैं, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो नमक डाल दिए हम, साथ में एक बड़े साइज़ का टमाटर था तो वो भी डाल दिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो चुका है। अब इसको प्लेट से ढक देंगे। धीमी आंच पर ही हमें मसाला को भुनना है, तो 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो मसाला को हम चला देंगे। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से चला देते हैं, पर अभी मसाला भुना नहीं है, हमें मसाला को अच्छे से भुनना है क्योंकि पेस्ट भी हम डाले थे। तो इसको ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद हम फिर चेक करते हैं। तो चला देंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से भुन चुका है, खुशबू भी आने लगा है मसाले से। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालेंगे ताकि आलू और चना की दाल जो है अच्छे से पक जाए। तो पानी हमें पूरा डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं, ढक देंगे, उबाल आने पर चेक करेंगे। दोस्तों अब सब्ज़ी को हम चला देते हैं, देखते हैं पका है कि नहीं। तो ये देखिए, सब्ज़ी में उबाल आ चुका है, इसको चला देंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी आलू पका नहीं है, तो अभी ढक देते हैं और इसको हम पकाएंगे जब तक आलू पक ना जाए और चना का दाल अच्छे से पक जाए। तो सब्ज़ी को चला देते हैं। तो ये देखिए, गाढ़ा होने लगा है सब्ज़ी, तो हम इसको सूखा सब्ज़ी ही बनाएंगे। तो आलू पक चुका है, थोड़ा सा चने का दाल को और पकाएंगे हम, ढक देंगे। तब सब्जी को हम चला देते हैं। आलू और चना दोनों अच्छे से पक गया है और सब्ज़ी थोड़ा सूखा भी हो गया है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, आलू एकदम अच्छे से पक चुका है। तो सब्जी रेडी हो गया है, गैस हम बंद कर दिए हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो दोस्तों, आलू और चने दाल की टेस्टी चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। हम आपको ये पास से दिखा देते हैं। इस आसान तरीके से आप सब्जी बनाएंगे तो सभी तरीके भूल जाएंगे। इसके आगे तो नॉनवेज भी फेल है। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगता है ये, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस सब्जी को आप ट्राई ज़रूर करें और अपने परिवार को गर्मा गर्म खिलाएं। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको यह टेस्टी रेसिपी कैसी लगी है। तो आप भी बनाइए चने दाल और आलू की मिक्स सूखा सब्जी। तो हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी स्वादिष्ट रेसिपी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।